कपिल वस्तु के सबसे बड़े गद्दावर नेता मंगल प्रसाद गुप्ता जो कांग्रेस के पिलर कहे जाते थे, आज वो भी कांग्रेस छोड़ करके और एमाले में शामिल हुए। सबसे पहले तो समाचार भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कारण था इतने दूर से आप कांग्रेस में थे और अचानक अब आप एमाले में शामिल हो रहे हैं? जी हाँ, मैं गत 50 वर्षों से नेपाल के राजनीति में सक्रिय हूँ। बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत जगह जो है अनशन किया और किसानों मजदूरों के हित में बहुत सारा काम किया, जैसे दनाई माफ करवा दिया, मोही का समस्या समाधान कर दिया, पूत और क्या कहते हैं तमाम मालपोत भी माफ कराया। तो ये करते करते आते समय एक ही चीज़ नेपाल में बड़ी प्रॉब्लम है, वो है राजनीतिक स्थिरता। तो राजनीतिक स्थिरता मैंने कई पार्टियों को देखा, लेकिन राजनीतिक चरित्र ही उनमें कमी है, जिसके कारण देश ऐसे सुंदर देश नेपाल में राजनीतिक स्थिरता नहीं आ पाती है। अंत में मैंने एक कंक्लूजन में मैं पहुंचा कि एमाले ही एक ऐसा पार्टी है जो सत्ता में आने के बाद ये राजनीतिक स्थिरता देश में कायम करके इसका विकास करेगी, इसको आगे बढ़ाएगी और इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी जिसमें गरीब मजदूर और किसानों का उद्धार होगा। ये भारत और नेपाल की सीमा पे एक किला है, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा जब थे तो काफी विवादित बयान दे रहे थे भारत के खिलाफ। उस विवादित बयान को किस तरीके से देखते हैं, जब नेपाल और भारत की सीमा सील थी, लाखों लोग मैथी से महाकाली तक के जितने भी मधेसी एरिया सारी जनता परेशान थी, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, इन दोनों देशों की मित्रता कभी भी समाप्त नहीं होगी। रह गई जो पड़ोसी देशों में, दुनिया में तमाम देशों में अपनी अपनी आवश्यकताओं को लेकर के प्रस्तुत करते हैं, अपनी समस्याओं को छलपल में लाते हैं, डिप्लोमेटिक समाधान होता है। इसी तरीके से नेपाल की जो समस्या हो, चाहे वो सीमावर्ती समस्या हो, चाहे सिंचाई की हो, चाहे क्या कहते हैं इसका ये समझौता हो, परिवहन समझौता हो, तो आखिर नेपाल को भी तो कुछ चाहिए ना। तो अपनी समस्याओं को लेके भारत के सामने प्रस्तुत करता है और उस पर राजनीतिक तौर से बहस होके साल होता जाता है। तो इसको भारत विरोधी क्रियाकलाप नहीं कहना चाहिए। तरीके से नेपाल, भारत की भी अपनी समस्या है, तो भारत भी अपनी समस्या नेपाल के सामने रखता है और नेपाल उसको कूटनीतिक तौर से उसका समाधान खोजता है। तो जैसे कि भारत में सुरक्षा की बात है, नेपाल की धरती से सुरक्षा की बात है, भारत ने प्रपोज किया, नेपाल ने जो भी उचित कदम चलना था भारत की सुरक्षा के लिए नेपाल में कहा और नेपाल की धरती को भारत के खिलाफ प्रयोग करने से प्रतिबंधित किया, रोका। ताले। जिस तरीके से तमाम दल के नेता आज एमाले में शामिल हुए हैं, स्थानीय चुनाव 4 महीने हैं, 4 महीने के बाद सांसदीय का चुनाव है, भारत के सीमा पे भी भारत में भी कई प्रदेश में चुनाव है, तो स्थानीय निकाय चुनाव है, उसमें क्या योगदान है? देखिए, जोश जब उभरता है कि अपेक्षानुसार जनप्रतिनिधि को चुना जाता है और वो काम न करके भ्रष्टाचार करता है, लूट करता है, गुंडई करता है, बदमाशी करता है, लूट खसोट करता है, तब जनता में जोश आता है और जनता विकल्प खोजती है। इसलिए जनता विकल्प खोजी है कि एमाले के अलावा इस क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसलिए पूरी मांस उमड़ करके आई है। बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस से आपको टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए आपने एमाले में शामिल हुए हैं और आने वाले लोकसभा में आप चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे प्रमुख मुद्दा कपिल वस्तु को आप सांसद होंगे तो क्या अहम मुद्दा रहेगा? देखिए, मेरा मुद्दा जो है गरीब किसान और मजदूर, और अभी मैंने पेश किया है हमारे सम्मानीय क्या कहते हैं ओली साहब के सामने कि राप्ती सिंचाई परियोजना को कपिल वस्तु में लाके इसका उद्धार किया जाए। तो इस तरीके की योजनाओं में मैं लगूंगा और जितनी विकृतियां हैं उसके खिलाफ जीवन भर लड़ूंगा। तो देख सकते हैं ये कांग्रेस पार्टी के सबसे कद्दावर नेता थे जो आज इन्होंने एमाले में शामिल हुए और इनका साफ कहना है कि अगर लोकसभा चुनाव हम जीतेंगे तो यहाँ का सबसे अहम मुद्दा गरीब मजदूर किसान और यहाँ पे सरवी राप्ती नहर का जो परियोजना है उसको लागू करना, जिसके हर खेत में पानी पहुँच जाए और फसल की आमदनी जो हो दुगनी हो जाए। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत।
बहादुरगंज नेपाल।